क्या वो प्यार था जब मैं कॉलेज की पहले दिन पहली बार तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि मेरे जिंदगी कुछ रुक सी गए हो। मैं मेरे चार दोस्तों के साथ आखिरी बेंच पे कोने वाले सीट पे बैठा था जहां से क्लास की पूरी व्यू मिले। उस व्यू के सेंटर में तुम रहो और मेरी पूरी फोकस सिर्फ तुम पे रहे। मैम जोर जोर से चिल्ला के कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रही थी मगर तुम्हारे दिल की धड़कनों से उसकी आवाज कहीं गुम सी हो गई थी। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना, मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना, काश तुम आंखों की भाषा समझ लेती। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। दिल में जो बात थी वो जुबान पर आती थी लेकिन लफ्जों में तब्दील होने से पहले कहीं खो जाती थी। क्या वो प्यार था? आंखों से आंखें मिल गई, बातों से बातें मिल गई, बातों के लिए मुलाकातें बढ़ गई और वो मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई। तब तुमने मुझसे एक बात कही थी कि लड़की के हाथ हमेशा इस तरह से हाथ में पकड़ना चाहिए और मैं पागल मन ही मन मुस्कुरा के कह गई कि मैं ये तुम्हारे हाथ जिंदगी भर पकड़ के रखना चाहता हूँ। क्या वो प्यार था? उस दिन से पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना फिजूल सा लगता था और जिस दिन तुम नहीं आती थी तो पूरी कॉलेज जैसे बेचैनी सा लगता था। तब से तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा बन गई, हम साथ में मुस्कुराते थे तो बस फर्क इतना ही होता था कि तुम खुशी से मुस्कुराती थी और मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता था। क्या वो प्यार था? इन आंखों को तेरी आदत सी हो गई थी, इन होठों को तुम्हारे इबादत सी हो गई थी। एक लाइन मैं तुम्हारे तारीफ क्या करूं, पानी तुम्हें देखे तो प्यासा बन जाए और आंख तुम्हें देखे तो खुद से जलन हो जाए। क्या वो प्यार था? तुम्हारे फोन में रिचार्ज मैं कराता था और घंटों तक तुम किसी और से बातें करती थी, तुम प्यार से किसी और की हाथ पकड़ती थी और यहाँ गुदगुदी मेरे हाथ से होती थी, तुम किसी और को गले लगाती थी तो यहाँ मेरे धड़कनें तेज हो जाती थी। क्लास में मैम तुम्हें डांटती थी लेकिन गुस्सा मुझे आता था, तुम किसी और के कंधों पर सर रख के रोती थी और यहाँ तकलीफ मेरे दिल में होती थी। क्या वो प्यार था? ना जाने वो क्या था, प्यार था क्या कुछ और था, लेकिन जो तुमसे था वो किसी और से नहीं था। उसने मुझे कहा था कि उसे प्यार की दीवारों से नफरत है और कुछ महीने बाद वो किसी और के साथ अपने मोहब्बत का महल सजा रही थी। साला मुझे लगता था कि जिंदगी का एक उसूल है, मतलब प्यार के बदले में हमेशा प्यार मिलता है, लेकिन जब मेरे बारी आई तब साला जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए। तो आज से हम भी बदलेंगे, हम भी बदलेंगे, हमारे अंदाजे जिंदगी रास्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी से नहीं होगा। लेकिन जो भी हो एक तरफा ही सही वो प्यार था। तो बेसिकली ये दिल की बात थी जो दिल ने बोली, दिमाग ने बस एक ही बात बोली कि भाई तू फ्रेंड जोन हो गई है। सो गाइज दिस इज सम ऑफ द लाइंस मेड बाय मी डेडिकेटेड टू ऑल द कॉलेज वन साइडेड लवर्स। बेसिकली ये मेरा कुछ लाइन था जो मैं कॉलेज के लड़कों लड़कियों के स्पेशली लड़कों को डेडिकेट किया हूँ जो वन साइडेड लव करता है, मतलब वन साइडेड लव हो जाता है। तो जो भी हो गाइज मेरा ये कुछ लाइन्स कैसा लगा ज़रूर बताना और अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबा दें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ स्टे यंग फॉर अ बेटर लाइफ। इट्स योर सरकास्टिक बॉम्ब साइनिंग आउट।